राजधानी पटना में अपराध का ग्राफ बढ़ चुका है। अपराधियों के दिलों से कानून का भय खत्म हो चुका है और अपराधियों के मंसूबे इतने बढ़ चुके हैं कि किसी भी घटना को अंजाम देने से वो कतरा नहीं रहे। इसी कड़ी में पटना में एक बड़ी वारदात सामने आई और जिस प्रकार से थाना से कुछ ही दूरी पर अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया, इससे साफ तौर पर जाहिर हो गया कि अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। और देर रात जिस प्रकार से अपराधियों ने दो थाना क्षेत्रों में एक बड़ी वारदात दो बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है, पूरे घटनाक्रम की जानकारी हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कोतवाली थाना क्षेत्र के किदवईपुरी में एक दवा की दुकान है, दवा एजेंसी है, वहां पे अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार के बल पे 7,000 रुपए की लूटपाट की जाती है। वहां के जो कर्मचारी रहते हैं उससे मोबाइल को छीना जाता है और जब इस पूरे मामले को लेके जो घटनाक्रम बीतती है, जब कर्मचारी विरोध करते हैं, तो आप आकलन करिए कि किस प्रकार से जो कर्मचारी रहते हैं उनकी पिटाई की जाती है और अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। कोतवाली थाना जब तक इस मामले को सुलझा पाती, इस मामले की जांच कर रही थी, तब तक अपराधी दूसरी घटना को अंजाम देने के लिए आराम से निकल जाते हैं। दूसरी बड़ी वारदात की बात कर ली जाए तो बोरिंग रोड अपने आप में पटना का सबसे बड़ा हब माना जाता है, पटना का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल है। IAS से लेके तमाम बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े उद्योग पटना के बोरिंग रोड इलाके में स्थापित हैं। कई बड़े अखबारों के कार्यालय हैं, कई नामचीन लोग वहां पे रहते हैं। तो आप समझिए कि किस प्रकार से दूसरी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए अपराधी आराम से जाते हैं। और ठंडा और जो पानी विक्रेता है, एक बड़ी एजेंसी है, उस दुकान में घुसते हैं और हथियार के बल पे, जिस प्रकार से जो जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेके, कोतवाली के जो लॉ एंड ऑर्डर के जो DSP हैं, विधि व्यवस्था के किश मुरारी, उन्होंने मीडिया से पूरी बात की जानकारी दी और बताया है कि दूसरी बड़ी वारदात जो बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र में जो पानी कंपनी है उसके अंदर अपराधी घुसते हैं, 40,000 रुपए की लूटपाट करते हैं। और आप समझिए कि बैक टू बैक दो बड़ी वारदात को अंजाम अपराधियों के द्वारा दिया जाता है और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपराधी आराम से फरार हो जाते हैं। पुलिस के हाथ पांव फूल गए हैं। लगातार बिहार में अपराध के आंकड़ों में अगर देखा जाए तो बेतहाशा वृद्धि होते जा रही है और जिन कंधों पर, जिन पटना की जिम्मेवारी पटना पुलिस के कंधों पर है, वो पुलिस पूरी तरह से थक चुकी है। और बैक टू बैक दो घटनाओं को अपराधियों के द्वारा अंजाम देने के बाद आराम से फरार हो जाते हैं और पुलिस का जो कोरम है कि घटना जब बीत जाती है, हत्या हो या किसी तरह की घटना होती है, तो पटना पुलिस आजकल खोखा चुनने में लगी है। और वहीं दूसरी बड़ी वारदात की बात, जिस प्रकार से जो लूट की दो बड़ी वारदात घटना घटी है, अब इसको लेके पुलिस मामले की जांच में जुटने का हवाला दे रही है। आवेदन ले लिया गया, FIR को दर्ज किया गया। अब देखने वाली बात होगी कि अपराधियों को पकड़ लिया जाता है और अगर पकड़ने का जो दावा पटना पुलिस कर रही है वो कब तक गिरफ्तार कर पाती है या घटनाओं में बेतहाशा वृद्धि इसी प्रकार से होगी, यह तमाम आने वाला समय बताएगा। लेकिन इस पूरे मामले को लेके जब पटना पुलिस के अधिकारियों से मीडिया सवाल करती है आखिर कैसे वारदात घटी, तो सुनिए इस पूरे घटनाक्रम को लेके किस प्रकार से जो पटना के कोतवाली थाना के विधि व्यवस्था के जो DSP कृष्ण मुरारी जी हैं, ये पूरी घटना की जानकारी विस्तार से बता रहे हैं। क्षेत्र में दो जगहों पर लूट की घटना हुई है, बड़ी वारदात है। देखिए, आज रात्रि में करीब 1 बजे के आसपास जो रिपोर्टिंग हम लोगों को कराया गया है कोतवाली थाना क्षेत्र में, तो 1 बजे के आसपास की घटना होना बताया गया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जो कि मोटरसाइकिल से आए थे और एक दवा की दुकान जो मूल रूप से एजेंसी उनके पास है, उनके पास जाकर के जो लड़के थे वहाँ पर से उनसे कुछ पैसा ले लिया है और उनका मोबाइल ले लिया है और विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। तो यह निश्चित रूप से गंभीर अपराध है, इसको हम लोगों ने उनके आवेदन को प्राप्त किया है, प्रतिज्ञान वहाँ जाकर के पुलिस गई है, जाकर के उनका आवेदन प्राप्त किया। आवेदन प्राप्त करने के बाद उसका एक प्रॉपर लूट के सेक्शन में उन्होंने FIR दर्ज कराया है। दूसरी वारदात बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत घटना घटित है, वो ईस्ट बोरिंग कैनाल रोड है, वहाँ के पास में जो घटना घटी, वो भी दुकान है पेप्सी को या कुछ अन्य चीज़ें बेचते हैं वहाँ का है। वहाँ पर भी सेम मॉडल्स पर सेम तरह की घटना है और वह घटना 2 बजे के आसपास होना रिपोर्टिंग कराया गया है हम लोगों को।
तो वहाँ पर भी लूट की घटना घटित हुई है और वहाँ पर विरोध करने पर उनके साथ उनकी बातें आई है। दोनों घटना हम लोगों ने काफ़ी गंभीरता से लिया है। जो तकनीकी माध्यम से जो अनुसंधान के तरीका है, हम लोग उसको फॉलो करा रहे हैं। जो मानवीय पहलू हो सकते हैं अनुसंधान के, उसको भी हम लोग देख रहे हैं कि उसमें क्या क्या एंगल आ सकते हैं, कोई क्या अगर उसमें व्यक्ति अगर इन्वॉल्व हैं लोकली तो कुछ हमको पता चल पाए तो उसको देख रहे हैं। फिलहाल हम लोग ने तकनीकी हिसाब से जो CCTV या अन्य जो अनुसंधान के जो तरीके हैं हमारे, उसको हम लोग फॉलो कर दे रहे हैं। ये साथ ही जो FSL के जो आगे की जो कार्रवाई है उसको देख रहे हैं। क्या लगता है नई जो गैंग है वो सक्रिय हुई है क्या? देखिए, जो हम लोगों के पास अभी तक साक्ष्य प्राप्त हो पाए हैं, उस साक्ष्य के आधार पर ये लगता है कि लोकली ही कहीं कहीं ये ऑर्गेनाइज किया है। रात में निकला सरफरेर के रूप में और उनको उन्होंने अचानक प्लान करके नहीं, अचानक ही किसी पास जाकर उन्होंने अटैम्प्ट लिया, वहाँ से कुछ पैसा छीन लिया, फिर जाकर के दूसरी जगह भी उन्होंने अटैम्प्ट लिया, फिर वहाँ से कुछ पैसा ले लिया है। तो तत्काल बहुत जल्दबाजी होगा कि ये गैंग किस, लेकिन हम लोगों को जो मॉडल्स अपन रही है काम करने के जो तरीके अभी तक आए हैं उसमें से ये जो कल करना है यही कि आसपास के ही लोग कहीं कहीं ये इन्वॉल्व होना पाया जा रहा है। कोतवाली इलाके में कितने की लूट हुई है और बुद्धा कॉलोनी इलाके में? कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो रिपोर्टिंग है लूट का वो 7,000 रुपया है और साथ में मोबाइल है, और बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो लूट की राशि है वो 40,000 रुपये के आसपास होना अभी तक जो बताया गया है हमारे पास यही है। बाकी हम लोग केस का अनुसंधान आगे कर रहे हैं, जो अनुसंधान के जो फलाफल होंगे उनके जो डिटेक्शन होंगे उसके बाद हम लोग आगे विवरण कर पाएंगे आपको। किस चीज़ का भय दिखा कर किस चीज़ का भय दिखा है? देखिए, इन लोगों के पास पिस्तल होने का जो हम लोगों को रिपोर्ट कराया गया बताया गया छोटे हथियार था उनके पास, तो निश्चित रूप से रात्रि में घूम रहे हैं तो वो हथियार लेकर घूम रहे हैं, तो उनके पास निश्चित है कि उनके मनोदशा या उनकी जो इच्छा गलत करने का ही है और किसी को धमकाने डराने धमकाने को लेकर के ही है। हम लोग पूरे गंभीरता से इसको अनुसंधान कर रहे हैं। दोनों जगह की जो संख्या जो हम लोग को रिपोर्टिंग कराया गया है वो अलग अलग संख्या है। यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो 4 से 5 के आसपास में हो सकता है यहाँ की संख्या है, लेकिन बुद्धा कॉलोनी में वो 2-3 के आसपास है। ये जो बादी है, बादी ने देखा है ऐसा जैसा कि उन्होंने रिपोर्टिंग कराया, लेकिन बाकी संभव है कि वहाँ भी संख्या ज़्यादा हो बुद्धा कॉलोनी में। ये हम लोग अनुसंधान में कर पाएंगे कि ये एक ही बदमाश है या नहीं है, लेकिन घटना जो हुई है डिफरेंसेस में हुई है तो संभव है कि एक गैंग भी हो सकता है।